सपा में चूर बीजेपी नेता की हनक देखिए। हाकी से नहीं डरते हैं ये ना करते हैं कानून की परवाह। मोहन यादव के हिसाब ने पुलिस को दिखाई हेकड़ी। क्या यही है बीजेपी का कानून को सम्मान? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जब आपके हाथ में सत्ता होती है तो अहंकार, अभिमान, ये सब होना स्वाभाविक है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता बदलती रहती है, लेकिन अहंकार के चलते जो भी कर्म आप करते हैं वो आपको भुगतने ही पड़ते हैं। देश में अभी बीजेपी की सरकार है, अधिकतर राज्यों में भी भगवा लहरा रहा है और शायद यही कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ना किसी से डरते हैं और ना ही किसी की सुनते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस बात का एक छोटा सा उदाहरण, छोटा सा प्रमाण आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, वैसे तो एमपी अजब गजब है, यहाँ मामा शिवराज जब से गए हैं तभी से प्रदेश में रोज नया कारनामा सुनने को मिल रहा है। एक बार फिर से एमपी में बीजेपी नेता की अकड़ देखने को मिली। यहाँ बीजेपी नेता खाकी के सामने ही तन कर खड़े हो गए, पुलिस को ही धमकाने लगे। अब जब सत्ता अपनी हो और सत्ता पर बैठे लोग भी अपने हो तो पुलिस को कैसे अपनी मनमानी करने दी जा सकती है? जिस पर चाहे डंडा चला दो, जिसकी चाहे हेकड़ी निकाल दो, क्या ही फर्क पड़ता है? और सोचिए, जब ये सब एमपी के मुखिया मोहन यादव की सभा में हो रहा हो तो कोई क्या ही कुछ करेगा और क्या ही कुछ कह सकता है? कानून व्यवस्था की बात करने वाले मोहन यादव के ही नेता पुलिस से बदसलूकी कर रहे हैं, वो भी उन्हीं की सभा में। मामला मुरैना के सबलगढ़ तहसील के मामचोन इलाके का है, जहां बीजेपी प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के समर्थन में सीएम मोहन यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। सीएम के पास मंच पर पहुंचने के लिए तमाम भाजपा नेताओं की होड़ लग गई कि पहले हम जाएंगे। इस दौरान ड्यूटी कर रहे नूराबाद थाना प्रभारी टीआई ओपी रावत और भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष विजय जादौन के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि तू मैं तक बढ़ गई। और जब पुलिस के कर्मचारी वहां पर पहुंचे, तमाम बीजेपी नेता भी वहां पर पहुंचे, तो इस बहस में सब शामिल हो गए। सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेता ने टीआई से कहा कि तू मेरा बिगाड़ क्या लेगा, आप शब्दावली देखिए, आप भाषा देखिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए कि साहब किस सिर पर सत्ता का कैसा भूत सवार है कि खाकी वहां खड़ी है लेकिन डर नहीं है। वैसे नेताजी जो कह रहे हैं वो भी सच है, आखिर उनका कोई क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा, जब सत्ता उनकी है और सत्ता पर बैठे लोग भी उनके हैं तो आखिर कोई क्या ही कर सकता है। लोकसभा क्षेत्र मुरैना शिवपुर के भाजपा प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के चुनावी जनसभा में ऐसा कुछ होना, जहां पर सीएम संबोधित करने के लिए पहुंचे हो, सीएम मंच पर पहुंचे हो और उनसे ही मिलने के लिए भाजपा नेता वहां पर जा रहे हो, लेकिन जब पुलिस वहां अपना प्रोटोकॉल निभा रही हो उस दौरान ऐसा विवाद होता है। हालांकि पुलिस भी यही कह रही थी कि वो पुलिस प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है। अब पुलिस को भी समझना चाहिए कि जब बात बीजेपी की हो रही है तो प्रोटोकॉल वगैरह फॉलो करना जरूरी नहीं है, और इसके लिए अब बीजेपी को नहीं बल्कि पुलिस को ही समझना होगा कि प्रोटोकॉल बीजेपी के लिए नहीं बने हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसी ने कहा कि क्या ये वही बीजेपी है जो नीति और रीति से चलने की बात करती है? वैसे बीजेपी के नेता ही क्यों, खुद सीएम साहब भी अलग रौब में ही रहते हैं। आपको याद होगा कि जब मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे थे तो एक बुजुर्ग ने उनसे मदद मांगी हाथ जोड़कर। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा ये काम रुका हुआ है, हमारी मदद कीजिए, और बकायदा एक पेपर लेकर वो वहां पहुंचे थे। अब मोहन यादव उन बुजुर्ग से कहते हैं कि जिसे आपने वोट दिया उससे मदद मांगो, हमारा कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई यहाँ पर सांसद नहीं, हम कैसे काम कर दे। वोट किसको दिया, सांसद हमारा नहीं, विधायक हमारा नहीं, और हमारा काम
हम तो पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, हमारे पास चुनाव तो अरे भैया भैया सांसद विधायक सीएम इन सभी को प्रधानमंत्री तक को कहा जाता है कि ये जनता के नौकर हैं। लेकिन यहाँ बात बीजेपी की हो रही है, यहाँ पर जिन्होंने सत्ता तक पहुंचाया उसी जनता को नौकर की श्रेणी में बीजेपी रखती है। माफ कीजिएगा, ऐसी तस्वीरें देखकर विपक्ष की बात भी सही लगती है कि पर्ची वाले सीएम ही ऐसा कर सकते हैं। वैसे पर्ची वाले सीएम मोहन यादव के इस वीडियो पर और साथ ही साथ जो पहले हमने आपको वीडियो दिखाई इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।